एक्चुअली अब आप कहेंगे कि आप मोम को पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, क्यों करें? तो एक्चुअली वी हैव टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स हैं, और ये 2015 में पेरिस की एग्रीमेंट के मुताबिक हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए. फॉर द फर्स्ट टाइम ये शोड कंसर्न के जो एनवायरनमेंट है वो क्लाइमेटिक चेंज है, उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, और जो ये जो दुनिया जो है ये गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसके बारे में ना कुछ करना चाहिए. तो वो लोग सब लीडर्स जो थे दे गैदर देयर इन 2015 इन पेरिस, और उन्होंने ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे इसको कहा कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे और 2030 तक वील ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज गोल्स. तो उस गोल में अगर मैं अब आप कहेंगे कि वो जो गोल हैं 12 गोल्स हैं, इसमें हमारा जो कंपोजिटिंग और रिसाइकलिंग जो है वो 12 में आता है, नेक्स्ट इसमें आता है. तो ये जो है इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, नेक्स्ट. तो इसमें जो 12 में आप अगर जाएं तो ये हमारा ये है कि सस्टेनेबली रिड्यूस वेस्ट जनरेशन और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल वेस्ट. ये दो चीज़ें एक ऐसी हैं विच आर रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, जो आप घरेलू पैमाने पर कर सकते हैं, और आप अपना अगर आप करें तो आप कभी एक होम बेस पर भी आपका एक इनपुट हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब ने ये पार्ट प्ले करना है, एवरी वन नीड टू प्ले पार्ट, और इसको अचीव करना है 2030 तक, ताकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसमें एटलीस्ट हम थोड़ा सा कुछ तो पार्ट प्ले कर लें. ठीक है, तो वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम होम. तो ये ही होता है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. तो वी शुड अब थोड़ा सा यही कर सकते हैं कि हम जो है कंपोस्ट बना लें, तो इससे भी बड़ा असर होगा, और जो है ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेटिक चेंज में तो वी कैन ब्रिंग चेंज. थोड़ा सा इतना सा भी पार्ट प्ले करें तो वो सब अगर करें तो वो बहुत हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकेंगे, नेक्स्ट. तो ये जो है अब किचन जो वेस्ट है इट कम्स इन टू रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, और हमने कंपोस्ट बनानी है और इसको रिड्यूस भी करना है, रीयूज भी करना है और रिसाइकल भी करना है, नेक्स्ट. टू रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ये हमारा है, दैट इज वाई वी आर कंपोस्टिंग किचन वेस्ट. इसको हम बाहर फेंक देते हैं, अगर हम लैंडफिल में फेंक देते हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ा ख़राब है, और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन और हवा में पोल्यूशन और सॉइल में पोल्यूशन, हर जगह पोल्यूशन होती है. तो वाई नॉट इसको हम एक यूजफुल तरीके से इसको रिसाइकल करें और गिव इट बैक टू द अर्थ, जिस तरीके से जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है और जो चेंजेस आ रही है उसमें हम पोल्यूशन जो है वो ऐड ना हो. अगर आप देखें कि टोटल वेस्ट जो है बहुत किस्म का होता है. मसलन अगर देखें आपके बहुत सारे घर में जब चीज़ें जमा होती हैं तो लोहा होता है और प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, और ये टेट्रा पैकेट्स होते हैं, प्लस पेपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आपने ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये दिस मेक अप अबाउट 30% ऑफ द वेस्ट. जो पूरा वेस्ट जो पूरे किसी सिटी में वेस्ट होता है, तो 30% जो वेस्ट है इट कम्स फ्रॉम योर होम. तो अब आप देखें जो 30% जो वेस्ट है आपके घर में से जो हो रहा है, अगर आप घर घरेलू पैमाने को इसको रिसाइकल करना सीख जाए तो आप कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट.